आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में भी बहुत दिनों का अगर कोई फोटो डिलीट हो चुका है एंड उसे आपको वापस लाना है या फिर आपसे गलती से कोई फोटो डिलीट हो गया है एंड उस फोटो को आपको वापस चाहिए तो उसे कैसे ला सकते हो, ये चीज बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर पुराने से पुराने जो भी आपका फोटोज होगा ना, वो सारे चीज को भी यहाँ पर आप ला सकते हो। करना कैसे, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। आपको चले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। यहाँ पर देखो जो मैं ऐप बताने जा रहा हूँ ना, उसके प्रॉपर सेटिंग को पहले देखना, उसके बाद ही आपका फोटो जो है रिकवर हो पाएगा डिलीटेड फोटोज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ऐप को देखकर चले नहीं जाना है, आपको उसे सेटिंग को भी देखना है कि किन किन चीज़ों को आपको अलाउ करना है एंड क्या क्या सेटिंग को आपको मिलाना होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है डिलीट फोटो रिकवरी। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे ना तो आपके सामने एक ऐप यहाँ पर आएगा जो कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो इसका नाम है डिक्स डिगर फोटो रिकवरी एंड देखो यहाँ पर इसे 100 मिलियन प्लस यहाँ पर इसका डाउनलोड है, राइट। एंड यहाँ पर सिंपली हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग होने लगा है एंड यहाँ पर ये बहुत ही कम लाइट वेट का यहाँ पर ये ऐप है, तो इसे आप सिंपली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखो उसके बाद यहाँ पर आपको किन किन सेटिंग का इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर डिक्स डिगर फोटो रिकवरी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली आपको इसे ओपन करना होगा। इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके सामने दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सर्च फॉर लॉस्ट फोटोज, सर्च फॉर लॉस्ट वीडियोज। तो देखो यहाँ पर वीडियोज भी आप यहाँ पर सिंपली ला सकते हो एंड यहाँ पर देखो सर्च हम कर रहे हैं, सर्च फॉर लॉस्ट फोटोज है ना, इसमें यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो जो जो यहाँ पर अलाउ करने के लिए आपको बोला जाएगा ना, वहाँ से सिंपली आपको अलाउ कर देना है इस तरीके से। एंड देखो जैसे हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो सर्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर जितने भी फाइल्स यहाँ पर फाउंड होगा ना, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से शो हो जाने वाला है। देखो यहाँ पर फाइल हमारा फाउंड होने लगा है 1036। यहाँ पर जितना भी फाइल्स आपको चाहिए ना, वो सारा यहाँ पर देखो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। एंड यहाँ पर आपके जितने भी फोटोज़ है रिलेटेड फ़ोटोज़, वो यहाँ पर सिंपली आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर से आपको कंप्लीट होने देना है, तभी जाकर आपके जितने भी फोटोज़ रिलेटेड हुआ होगा उनमें से वो सारा फोटोज़ आ जाएगा। उनमें से आपको जिस फोटोज़ को चाहिए वो फ़ोटो यहाँ पर आप ले सकते हो। एंड तो देखो यहाँ पर इसे आपको सिंपली होने देना है पूरा, तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी फोटोज़ है वो यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा। देख पा रहे हो काफ़ी सारे फोटोज़ है जो रिकवर हो चुका है इस तरीके से, एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फोटोज़ है जो रिकवर हो चुका है। तो इस बाकी देखो अपने मोबाइल से PDF फाइल कैसे बनाया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कंप्लीट पता कर रखा हुआ है। और हाँ, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।